नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं हमारा एक्सटेंशन एजुकेशन के बारे में। एक्सटेंशन जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहां से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और अक्सर लोग जो है इसको इग्नोर कर जाते हैं। यहां से अगर आप क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपके लिए प्लस पॉइंट होगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, आज अरुण कात्यायन से ही हमारा जो मेन पोर्शन एक्सटेंशन वाला है, वहीं से हम आपको आज एक्सटेंशन स्टार्ट करते हैं। तो एक्सटेंशन हमारा जो है एक लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक है, किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। दो शब्दों से मिलकर बना है, एक्स और टेंसियो। एक्सटेंशन दो शब्दों से मिलकर बना है, एक्स और टेंसियो। ठीक है, एक्स और टेंसियो से मिलकर बना है। तो एक्स का अर्थ होता है आउट और टेंसिस का अर्थ होता है स्ट्रेचिंग, मतलब बाहर की ओर खींचना। स्ट्रेचिंग मतलब खींचना होता है, आप लोग जानते हैं, स्ट्रेच करना ना किसी चीज़ को, हम क्या कहते हैं, स्ट्रेच करना मतलब खींचना। ठीक है, और आउट मतलब बाहर की ओर, एक्स मतलब बाहर की ओर। तो बाहर की ओर खींचना किसको? आपके ज्ञान को। ठीक है, जो आपके अंदर छुपी हुई प्रतिभाएं हैं उनको बाहर की ओर क्या करना, प्रसार करना, उन्हीं का हमारा क्या कहलाता है, एक्सटेंशन कहलाता है। ठीक है, सूचना, ज्ञान और कौशल का। सूचना मतलब इन्फॉर्मेशन, ज्ञान मतलब नॉलेज। ठीक है, इन्फॉर्मेशन, नॉलेज, कौशल मतलब स्किल। इन सबको क्या करना है, विभिन्न चैनलों के माध्यम से संप्रेषण करना है। मतलब क्या करना है, संप्रेषण मतलब क्या, मैसेजिंग, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना है। ठीक है, प्रसार करना हमारा क्या कहलाता है, एक्सटेंशन कहलाता है। ठीक है, सूचना, ज्ञान और कौशल का क्या करना है, प्रसार करना है, यही हमारा क्या कहलाएगा, एक्सटेंशन कहलाएगा। ठीक है, टर्म एक्सटेंशन जो है सबसे पहले जो है यूएसए में यूज हुआ था। टर्म एक्सटेंशन पहली बार यूएसए में यूज हुआ था। पहला एक्सटेंशन वर्क जो हुआ था हमारा 1785 में यूएसए में ही, यूएसए का क्या है, एक जो है जगह थी यूएसए की। ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं क्या, यूएसए का एक स्टेट था जिसे हम लोग कहते हैं क्या, फिलाडेल्फिया। यूएसए का एक क्या था, स्टेट था, फिलाडेल्फिया स्टेट। जो फिलाडेल्फिया स्टेट है यूएसए का, वहाँ के कुछ किसानों ने 1785 में मिल के आपस में क्या किया, गठबंधन बनाया। एक सरकार नहीं बनाई, गठबंधन बनाया, मतलब एक क्या किया, कई सारे किसान आपस में मिल गए और आपस में मिल के उन्होंने क्या किया, एक ऑर्गेनाइज तरीके से क्या किया, अपने उत्पादों को बेचने का जुगाड़ लगाया। ठीक है, ऑर्गेनाइज तरीके से, इसी को हम लोग पहला एक्सटेंशन वर्क मानते हैं, जो 1785 में सबसे पहले कहाँ हुआ था, फिलाडेल्फिया स्टेट ऑफ यूएसए में हुआ था। ठीक है, किसानों ने आपस में मिले, सब लोग किसान मिले, जितना उन्होंने उत्पादन किया उसको जो है क्या किया, एक ऑर्गेनाइज तरीके से उसमें उत्पादन को इकट्ठा किया, उसके बाद उनकी सबकी क्या की, बिक्री की, जिससे क्या उन्हें अच्छा लाभ प्राप्त हुआ। ठीक, ऐसा जो पहला एक्सटेंशन वर्क हुआ था कहाँ हुआ था, यूएसए में हुआ था। अगर आगे हम लोग बात करें तो हमारा जो है अमेरिका के जो राष्ट्रपति रहे हैं अब्राहम लिंकन, आप लोग सब लोग नाम सुने होंगे अब्राहम लिंकन का। तो अमेरिका के जो राष्ट्रपति रहे हैं अब्राहम लिंकन, जो जिस समय वो राष्ट्रपति थे उसी टाइम की बात है, 1862 में इन्होंने एक मोरिल लैंड ग्रांट एक्ट पारित किया था। क्या किया था, मोरिल लैंड ग्रांट एक्ट, नाम याद रखना मोरिल का। तो मोरिल जो हमारे थे वहाँ के एक एजुकेशनिस्ट थे, कौन थे, शिक्षाविद थे, यानी एजुकेशनिस्ट थे। अब मोरिल ने अमेरिका में क्या किया भैया, एक जो है क्या किया, कृषि संस्थान इन्होंने एक जुगाड़ लगाया, जिसकी वजह से क्या हो, जितनी भी एग्रीकल्चर में क्या हो रही, नई नई खोज हो रही, मतलब इनोवेशन हो रहे हैं, वो क्या हो, सीधे एग्रीकल्चर यानी किसानों तक, फार्मर्स तक पहुँच सकें। ठीक है, जो मतलब सीधी से मतलब क्या है, एग्रीकल्चर में जितने भी इनोवेशन हो रहे हैं वो कहाँ तक पहुँच सके, फार्मर्स तक पहुँच सके। ठीक, इसके लिए इन्होंने क्या किया था, ये मोरिल लैंड ग्रांट एक्ट पारित करवाया अमेरिका में 1862 में, अब्राहम लिंकन ने इस पर हस्ताक्षर किए। ठीक है, मोरिल एक हमारे क्या थे, शिक्षाविद थे, जिन्होंने इस एक्ट को प्रोड्यूस किया था, बनाया था, इन्हीं का इसके पीछे आइडिया था। ठीक है, मतलब कृषि संस्थान जितने भी हैं वो क्या करें, जितने भी उनके इनोवेशन हैं यानी जितने भी उनकी क्या हैं खोज हैं, उन्हीं को क्या करें, वो ग्रामीण लोगों तक पहुँचाएँ। ठीक, ये जो है किसने दिमाग लगाया, मोरिल ने। आगे बात हम लोग करते हैं, अगर बात करें हम कॉन्सेप्ट ऑफ डिमॉन्स्ट्रेशन, डिमॉन्स्ट्रेशन मतलब क्या होता है, प्रदर्शन करना किसी भी चीज़ की, क्या, प्रदर्शनी। अब प्रदर्शनी लगाने वाला सिस्टम जो था, डिमॉन्स्ट्रेशन का मेथड था, पहली बार एक कॉन्सेप्ट ऑफ डिमॉन्स्ट्रेशन कौन लेकर आया था, डॉक्टर सीमन अनैप लेकर आए थे। डॉक्टर सीमन अनैप कौन लेकर आए थे, डिमॉन्स्ट्रेशन की टेक्निक लेकर आए थे 1885 में। ठीक है, सीमन अनैप ने एक नई वैरायटी बनाई थी। ठीक, और उसकी प्रदर्शनी यानी क्या किया, इन्होंने क्या किया, प्रदर्शनी लगाई 1,000,000 एकड़ खेत पर, जो है कहाँ पर, लौशिनिया में लगाई थी। बात समझो, लौशिनिया में इनका एक खेत था। ठीक, लौशिनिया में इन्होंने जो है सरकारी ज़मीन पर 1,000,000 एकड़ पर, छोटी मोटी जगह नहीं, मतलब 1,000,000 एकड़, समझ रहे हो, 1,000,000 एकड़ पर इन्होंने क्या किया, एक वेराइटी उगाई थी, उसको जो है इन्हें इतने बड़े क्षेत्र पर उगवाया। ठीक है, उत्पादन करवाया उसका, इसीलिए सीमन अनैप को मैथड डिमॉन्स्ट्रेशन का फादर कहा जाता है।
ठीक है, इनको क्या कहा जाता है मेथड डिमॉन्स्ट्रेशन का, क्योंकि इन्होंने क्या किया एक नई वैरायटी की खोज की, उस वैरायटी को इन्होंने क्या किया उसके प्रदर्शन को दिखाने के लिए इन्होंने 1 मिलियन हेक्टेयर में 1 मिलियन एकड़ में जो है खेती लोशिनिया में एक खेत में जो है लगवाई उस वैरायटी को, उसके बाद इन्होंने दिखाया कि उसका उत्पादन कितना अच्छा हो रहा है। ठीक है, इसीलिए सीमन एंड नेप को क्या कहा जाता है मेथड डिमॉन्स्ट्रेशन का फादर कहा जाता है। फादर ऑफ मेथड डिमॉन्स्ट्रेशन कौन है, सीमन अनैप है, कई बार पूछा गया है। ठीक है, अमेरिका के मोरिल लैंड ग्रांट कॉलेज पैटर्न, अब ये जो मोरिल थे बताए थे शिक्षाविद थे, इन्हीं के नाम पर एक कॉलेज पैटर्न चलने लगा। ठीक है, मोरिल लैंड ग्रांट कॉलेज पैटर्न, इसी पर जो है हमने अपना पहला, जो हमने भारत का पहला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी खोला था, पहली एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कौन सी थी, GBPUAT मतलब गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, बात समझ में आई, GBPUAT जो हमने पहली पंत नगर में खोली थी, जो तत्कालीन समय में कहाँ थी, उत्तर प्रदेश में थी, क्योंकि तब उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश नहीं बटा हुआ था। ठीक है, तब उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश बटा हुआ नहीं था, लेकिन आज की कंडीशन में कहाँ है, उत्तराखंड में हो गई है। ठीक है, 1960 में तो नहीं बटा था, क्यों, उत्तराखंड तो कब बटा है भैया, सन 2000 में बटा था उत्तराखंड, और ये हमारा जो है 1960 में बन गई थी, तो ये तत्कालीन समय यूपी में थी, आज की कंडीशन देखोगे तो उत्तराखंड में है। ठीक है, कौन से, गोविंद बल्लभ पंत एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, गोविंद बल्लभ पंत कौन थे जिनके नाम पे हमने पहली यूनिवर्सिटी खोली थी, तो भैया यूपी के पहले चीफ मिनिस्टर थे, फर्स्ट जो हमारे यूपी के चीफ मिनिस्टर थे कौन थे, गोविंद बल्लभ पंत थे। ठीक है, आगे बात करते हैं, परंतु एक्सटेंशन को भैया कोर्स स्टडी के रूप में, पहली यूनिवर्सिटी तो हमने 1960 में खोल ली एग्रीकल्चर की, लेकिन एक्सटेंशन को अपने कोर्स में शामिल करने वाली पहली यूनिवर्सिटी कौन सी थी, साबौर बिहार। साबौर बिहार ने 1956 में, मतलब एक कॉलेज था, यूनिवर्सिटी नहीं थी, तो 1956 में साबौर में जो कॉलेज था बिहार में, उसने 1956 में क्या किया था, पहली बार एक्सटेंशन को एक, मतलब क्या, सब्जेक्ट के रूप में स्टार्ट किया था, अपने मतलब पढ़ाना स्टार्ट किया एक्सटेंशन को। ठीक है, कोर्स स्टडी के रूप में। ठीक है, आप सबको पता है ना 1905 से लेकर 1906 के बीच में जो है 6 जगह जो है क्या हुए थे, एग्रीकल्चर कॉलेजेस खुले थे, कहाँ कहाँ, पुणे, कानपुर, साबौर, नागपुर, लियालपुर, कोयम्बटूर, ये लियालपुर और पाकिस्तान में है, ध्यान रखना इस चीज़ को, पुणे, कानपुर, साबौर, नागपुर और कोयम्बटूर और लियालपुर, इतनी जगह जो है कॉलेज खोले गए थे। ठीक है, 6 कॉलेज खुले थे ये। आगे बात करते हैं, तो उसी में जो साबौर में हमारा खुला था, साबौर में ही हमारा क्या हुआ था 1956 में पहली बार जो है एक कोर्स स्टडी के रूप में एक्सटेंशन को स्टार्ट करवाया गया। ठीक है, पहली बार कोर्स स्टडी के रूप में बिहार में, पहला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश में, GBPUAT जो आज की कंडीशन में उत्तराखंड में है। ठीक है, आगे बात करते हैं, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन की बात करें तो भैया ये क्या है, अप्लाइड बिहेवियर के साइंस है, मतलब ये क्या है, अप्लाइड बिहेवियर के साइंस, हम लोग अप्लाई करके सीधे सीधे अपनी लाइफ में देखते हैं। ठीक है, और क्या है, डिजायरेबल चेंज लाता है, ये क्या लाता है, डिजायरेबल, जो हमारे अंदर क्या ऐच्छिक परिवर्तन है, मतलब जो हम चाहते हैं कि हमारे अंदर परिवर्तन हो, वैसे परिवर्तनों को ये प्रमोट करता है। ठीक है, फीचर्स की अगर बात करोगे एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन की, तो भैया क्या करता है ये, पार्टिसिपेशन आपकी पूर्ण इच्छा पर निर्भर करेगा। अब भैया आप एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, ये क्या आपकी पूर्ण इच्छा पर निर्भर करता है, कोई फोर्सफुली तो नहीं करवाएगा। इनफॉर्मल एजुकेशन है, फॉर्मल और इनफॉर्मल एजुकेशन क्या होता है, जिनने थोड़ा भी एजुकेशन के बारे में जानते होंगे जानते होंगे कि एजुकेशन जो है 2 प्रकार की होती है, एक तो होती है हमारी क्या फॉर्मल एजुकेशन, ठीक, एक होती है इनफॉर्मल एजुकेशन। तो फॉर्मल एजुकेशन जो हम लोग क्या करते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में लेते हैं, कॉलेजेस में लेते हैं, जिनके लिए हमको डिग्रियां मिलती हैं, उनका एक लिमिटेड टाइम होता है, वो सारी हमारी क्या है फॉर्मल एजुकेशन है। इनफॉर्मल एजुकेशन होती है भैया जो जीवन में हम लोग सीखते हैं। ठीक है, अब भैया इनफॉर्मल एजुकेशन तो हमारी बच्चा पैदा होता है वहीं से स्टार्ट हो जाती है, अपनी मतलब वो मम्मी कहना शुरू करता है, क्या करता है, इसे सीखता ही तो है, एजुकेशन तो वो भी एक है, तो ये हमारा क्या है इनफॉर्मल एजुकेशन है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, करत करत अभ्यास से जन्मत हो सुजान, मतलब धीरे धीरे करते करते हम लोग सीखते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं इनफॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट प्रैक्टिस एंड देन थ्योरी, हम लोग इसमें क्या करते हैं, पहले सीधे प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, पहले हमने क्या किया, प्रैक्टिस किया, उसके बाद हम इसको क्या करेंगे थ्योरी में चेंज करेंगे, बात समझ में आई। पहले थ्योरी नहीं लिखते हैं कि थ्योरी पहले लिख डाले उसके बाद उसको हम प्रैक्टिकल करके देख रहे हैं, पहले हमने क्या किया प्रैक्टिस की हमने किसी चीज़ की, उसके बाद हमने उसको थ्योरी में चेंज किया, तो वही हमारा एक्सटेंशन का मेन उद्देश्य है। हम लोग क्या करते हैं खेत में, हम लोग अब भाई किसी ने बताया कि जो हमारा धान होता है वो ज़्यादा पानी चाहता है। ठीक, उन्होंने किसी ने बताया कि अगर सल्फर की कमी हो जाएगी तो हमारा क्या होगा, पत्ती पीली पड़ जाएगी चाय में। ठीक, तो भैया किसी ने पहले क्या हुआ, ऐसा हुआ तब उसने जाके ऐसा क्या किया थ्योरी में लिखा जाके, पहले से किसी को नहीं पता था। ठीक, पहले से थ्योरी नहीं बनी उसके बाद इस चीज़ नहीं, ऐसे हम लोग क्या करते हैं एजुकेशन की जब हम लोग प्रैक्टिस करते हैं तो पहले हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं, मतलब कहने का मतलब है पहले हम लोग क्या करते हैं प्रैक्टिकल करते हैं, थ्योरी की नंबर तो बाद में आती है, प्रैक्टिकल में जो हुआ होगा वही तो हमारी थ्योरी है।
ठीक है, आगे बात करते हैं। हम लोग अध्ययन करते हैं ना भैया, प्लॉट लगाते हैं अपना, MSc वगैरह जितने लोग कर रहे हैं सबको पता है, प्लॉट लगाते हैं अपने, अपनी फसल लगाते हैं, उसके बाद उसमें जो है हम लोग को क्या करते हैं, जो भी हमारा टॉपिक होता है उस चीज़ पर हम लोग अध्ययन करते हैं, उसको अध्ययन करके फिर हम लोग थीसिस बनाते हैं अपनी ना, कि पहले थीसिस बना लेते उसके बाद जाके खेत में लगाते हैं, ऐसा तो नहीं करते हैं। तो हमारा क्या होता है, फर्स्ट प्रैक्टिस देन थ्योरी। आगे बात करते हैं, कोर्स फिक्स नहीं है भैया, कोई भी कोर्स इसका फिक्स नहीं है, कुछ भी तुम जो है इसमें जोड़ सकते हो, किसी भी चीज़ का प्रसार करना चाहोगे तो वो कर लोगे। अभी एग्रीकल्चर एक्सटेंशन की बात करो तो एग्रीकल्चर में किसी भी चीज़ का प्रसार करना चाहोगे उसको करोगे, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं फार्मर्स, इसमें हम लोग मेनली करते क्या हैं, फार्मर्स की प्रॉब्लम का अध्ययन करते हैं भैया। अब अलग अलग टाइम पर अलग अलग एरिया में अलग अलग प्रॉब्लम्स होती हैं, तो अलग अलग प्रॉब्लम के हिसाब से हम लोग स्टडी उसे वहाँ की करते हैं और उसका अलग अलग तरीके से हम लोग क्या करते हैं, सोल्यूशन देते हैं। अब फार्मर्स को कहीं भैया क्या है, लोकस्ट की समस्या हो जाती है तो कहीं किसी डिजीज से परेशान हो जाते हैं, ठीक है। हर मतलब भाई अलग अलग जगह का अलग अलग क्रॉपिंग पैटर्न है, अलग अलग फसल उगा रहे हैं और अलग अलग फसल में अलग अलग तरीके की बीमारियां, अलग अलग तरीके के रोग, अलग अलग तरीके के प्रॉब्लम, तो इन सब प्रॉब्लम्स को हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। ये अध्ययन का जो प्रोसेस हमारा कैसा है, बाई डायरेक्शनल है। बाई डायरेक्शनल मतलब भैया जो यहाँ पर एक्सटेंशन वर्कर जाते हैं वो क्या करते हैं, वो भी तो फार्मर्स से सीखते हैं और फार्मर्स को सिखाते भी हैं, कुछ वो फार्मर्स से सीखते हैं कुछ फार्मर्स को सिखाते हैं, प्रॉब्लम्स के बारे में हम किसानों से सीखते हैं, जानते हैं कैसी कैसी समस्याएं होती हैं, उसके बाद उनको हम अपने पास लेके आते हैं, उसके बाद हम उसके लिए सोल्यूशन उसका ढूंढते हैं, उसके बाद सोल्यूशन उनको सिखाते जाके, यही तो हमारा बाई डायरेक्शनल प्रोसेस है ना। टीचिंग इज़ मेनली हॉरिजेंटल, भैया क्या होता है, हॉरिजेंटल तो तभी होगा ना जब बाई डायरेक्शनल होगा, भैया हम तुमसे सीख रहे हैं तुम हमसे सीख रहे हो, क्या होगा, हॉरिजेंटल है, ठीक है। एक आदमी सबसे ज्ञाता बैठा है सबको सिखा रहा, तो क्या हॉरिजेंटल कहाँ रह जाएगा, तो वर्टिकल हो जाएगा। बड़ी व हेट्रोजेनस ऑडियंस होती है, भैया संख्या बड़ी है ऑडियंस की और क्या होगा, हेट्रोजेनस, अलग अलग तरीके की अलग अलग परेशानियाँ सबकी होंगी, तो मतलब हेट्रोजेनस है, अलग अलग है, डिफरेंट डिफरेंट है। फ्लेक्सिबल हमारा तरीका होता है एक्सटेंशन का, एक्सटेंशन किस प्रकार का एजुकेशन है, फ्लेक्सिबल एजुकेशन है, चेंज होता रहता है अपने टाइम पर, बताया ना, फिक्स्ड कोई कोर्स ही नहीं है तो फ्लेक्सिबल है ही है। नीड पर निर्भर करता है भैया, जिस प्रकार की आवश्यकता होगी उस टाइप का आपको एजुकेशन दिया जाएगा। आप कर रहे हैं अपने यहाँ गन्ने खेती, हम आपके आपको बताएं कि धान में ऐसे ऐसे करोगे तो धान में ऐसे रोग नहीं लगेगा, उसका कोई फायदा निकलेगा, नहीं निकलेगा, तो जैसी आवश्यकता वैसी एजुकेशन। मोर प्रैक्टिकल होती है, बताए तुमको थे पहले प्रैक्टिकल ही करते हैं उसके बाद हम लोग थ्योरी की तरफ जाते हैं, ठीक है। और जीवन पर्यंत चलने वाली शिक्षा, तो इनफॉर्मल एजुकेशन हमारी क्या होती है, जैसे हम पैदा होते हैं वहीं से स्टार्ट हो जाती है, जब तक मरते नहीं तब तक ये चलती रहती, इसी को हम इनफॉर्मल एजुकेशन बोलते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं उद्देश्य हमारे, इसके मुख्य तीन उद्देश्य हैं, इसके ऑब्जेक्टिव तीन हैं। पहला, यूज़फुल एंड प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन, जो हमारे लिए आवश्यक है और जो हमारी प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन है उसी का हम क्या करना है, प्रसार करना है, ठीक है। दूसरी, लर्निंग बाय डूइंग, मतलब करके सीखना है हमको, ठीक है, करके सीखना है। ये शब्द जो है हमारा 1960 में पहली बार जॉन डे ने दिया था। जॉन डे जो थे हमारे, जॉन भाई थे, और जॉन भाई क्या करते थे, कहते थे भैया पहले करो और फिर सीखो, ऐसे थोड़ी ना पहले सीख के आए उसके बाद करने का प्रयास कर रहे हो, तो पहले करो फिर सीखो। तो लर्निंग बाय डूइंग प्रोसेस जो टर्म है ये किसने दिया था, जॉन डे ने दिया था 1966 में, ठीक है। आगे बात करते हैं, अपने ज्ञान का प्रैक्टिकल क्या करना है, एप्लीकेशन भी करना भैया। ग्रामीण क्षेत्रों के सभी पहलुओं का हमें विकास करना था, इसका उद्देश्य था मेनली, ठीक है। जो हमारा एक्सटेंशन एजुकेशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, पहला ऑब्जेक्टिव क्या हो गया, यूजफुल एंड प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन का प्रसार करना है, लर्निंग बाय डूइंग को बढ़ावा देना है, ठीक है। अपने ज्ञान का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन उसी में करना है, लर्निंग बाय डूइंग का मतलब, और ग्रामीण क्षेत्रों का करना, सभी पहलुओं का विकास करना है हमें, ठीक है। टीचिंग स्टेप्स की अगर हम बात करें भैया, तो टीचिंग के क्या स्टेप्स होते हैं, तो उसके लिए भैया अरुण कात्यायन जी एक फार्मूला लिखते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं क्या, ऐड कास्ट, क्या कहते हैं, ऐड कास्ट, सब लोग पढ़े होंगे अरुण कात्यायन, जितने लोग पढ़े हैं। ऐड कास्ट मतलब भैया सबसे पहले क्या होता है, अटेंशन होता है भाई, किसी चीज़ को सुनोगे तभी ना अटेंशन होगा ना। अटेंशन क्या होता है कि सुनो भैया ध्यान से, उसके बाद तुम इंटरेस्ट लोगे, जैसे हमसे तुम सुन रहे हो अभी, तो अटेंशन तुमने किया, उसके बाद तुमने क्या किया, हम तुमको पढ़ा रहे हैं, तुमने टॉपिक में इंटरेस्ट लेना अगर स्टार्ट किया, ठीक, टॉपिक में इंटरेस्ट लिया, अब इंटरेस्ट लिया तो तुम्हारी क्या हुई, इच्छा हुई, डिज़ायर तुम्हारे अंदर जागी कि हाँ इस टॉपिक को हमें जानना है, सीखना है, इसके बारे में जानना है, ठीक है। जब भैया तुम्हें क्या हुआ, डिज़ायर तुम्हारे अंदर, इच्छा जाहिर हुई, इंटरेस्ट लिया तब इच्छा जाहिर हुई, इच्छा जाहिर हुई तुम्हें क्या हुआ, बिलीफ हो गया कि हाँ अरे ये तो बहुत बढ़िया बच्ची है, इससे तो हमारा काम चल जाएगा। अब तो तुमने क्या किया, एक्शन किया, मतलब उसी को पढ़ना स्टार्ट किया, उसी को याद करना स्टार्ट किया, उसके बाद तुमको क्या होगा, जैसे तुम्हारा रिजल्ट आएगा अच्छा, वही तुमको सेटिस्फैक्शन मिल जाएगा, ठीक। तो कहने का मतलब क्या है, कोई भी एजुकेशन होती है उसका रूल यही रहता है, सबसे पहले क्या होता है, अटेंशन होता है, फिर तुम इंटरेस्ट लोगे, उसके बाद तुम्हारे अंदर डिज़ायर जागेगी, इच्छा जागेगी, फिर तुम्हें हमारे ऊपर क्या होगा, सी मतलब कन्वेक्शन यानी बिलीफ हो जाएगा, बिलीफ के बाद तुम क्या करोगे, एक्शन लोगे, एक्शन जब होगा तभी तुम्हें सेटिस्फैक्शन मिलेगा, ठीक है, बात समझ में ही। आगे बात करते हैं, अब एडॉप्टर्स की कई तरीके कैटेगरी होती हैं,
ठीक है, अडॉप्टर्स की कई तरीके की कैटेगरी होती हैं, जैसे हम लोग सबसे पहला बात करते हैं किसकी, इनोवेटर्स की। इनोवेटर जो हमारे होते हैं बहुत बढ़िया आदमी, एक के बार में समझ जाएंगे, तुम एक बार हम समझा दें उनको, एक बार में समझ जाते हैं, लेकिन ऐसी संख्या बड़ी कम है, 2.5% ही है भारत भर में, ठीक है। ये क्या करते हैं, इमीडिएट अडॉप्टर होते हैं, इनको एक बार बता दो ना तुरंत अडॉप्ट कर लेते हैं। हमने कहा कि हाँ टेस्ट पेपर ऐसे ऐसे ज्वाइन करना है, आंसर लिखना है कॉपी पे, उन्होंने एक बार में सुन लिया, भैया वो क्या है, इनोवेटर्स हैं, ठीक। 2.5% ऑफ इंडिया हैं ये खाली इतने लोग, और अडॉप्ट इमीडिएटली नॉलेज को तुरंत क्या करते हैं, अडॉप्ट कर लेते हैं। दूसरे होते हैं हमारे अर्ली अडॉप्टर, अर्ली अडॉप्टर वो होते हैं भैया जो अडॉप्ट कर लेते हैं, 13.5% ही आते हैं। अब भैया इनको जो है कोई ढंग का आदमी समझाने वाला जाए, लोकल लीडर समझाने जाए तो ये मान लेंगे। किसान की अगर बात करोगे तो मतलब आम आदमी उनको मतलब हम एक्सटेंशन एजुकेशन मान लो सिखाने गए उनको तो हमारे ही नहीं मानेंगे, लेकिन उनको लोकल नेता गाँव का प्रधान भी बताने गया तो वो समझ जाएंगे, हाँ चलो भैया ठीक बढ़िया चीज़ें प्रधान जी कह रहे हैं। इसके बाद अर्ली मेजोरिटी में हमारे आते हैं 34%। ये भैया क्या होता है, बिफोर कॉमन पीपल, जब आम आदमी जो है अपनाना शुरू कर दिया है, मतलब इस क्या हुआ, ये हमारा जो नया इनोवेशन था, नई खोज थी, ये क्या हुआ, जब कॉमन हो गई एकदम भाई, कॉमन हो गई तब इन्होंने अपनाना शुरू किया, ठीक। लेट मेजोरिटी, ये भैया जब सबको अपने अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदारों सबको देख लेंगे कि अरे ये तो बड़ा फ़ायदा कमा रहे हैं नई खोज से, नए बड़ा फ़ायदा कमा रहे हैं इससे, तब ये क्या करेंगे, उसके बाद अपनाएंगे। तो हमारे आते हैं लेट मेजोरिटी, उसके बाद आते हैं हमारे लेजार्ड, और लेजार्ड होते हैं एकदम गधहा, क्या होते हैं गधा, ये होते हैं लेट अडॉप्टर, भैया अडॉप्ट करने तैयार नहीं होते, 16% इसमें से आते हैं, ठीक है। सबसे लास्ट में अडॉप्ट करते हैं, जब दुनिया पूरी उस चीज़ को अडॉप्ट कर चुकी होती है तब जाके इनको भरोसा हो पाता है कि हाँ जो ये नई खोज हुई है ये क्या है, अच्छी है। बात समझ में, इनोवेटर 2.5% है, अर्ली मेजोरिटी 13.5, अर्ली अडॉप्टर 13.5, अर्ली मेजोरिटी, लेट मेजोरिटी 34, लेजार्ड हमारे 16, ठीक है। इनोवेटर्स कितने, 2.5, ठीक है। अगर अर्ली अडॉप्टर्स की बात करेंगे हम लोग तो 13.5% है, ठीक है। अर्ली मेजोरिटी और लेट मेजोरिटी, मेजोरिटी जिसमें आ जाए दोनों कितने, 34% यानी 68% तो यही हो गए। उसके बाद हमारे आते हैं लेजार्ड, लेजार्ड हमारे कितने हैं, 16% खाली हैं। बात समझ में, याद रखना ऐसे तुम, ठीक। IM12L, ठीक, क्या है IM12L, आई मतलब इनोवेटर, ए मतलब अडॉप्टर, अर्ली अडॉप्टर है ये, ठीक है। उसके बाद एम मतलब मेजोरिटी, मेजोरिटी में एक अर्ली मेजोरिटी होगा या क्या होगा, लेट मेजोरिटी होगा। उसके बाद एडॉप्टर तो हमारा ये क्या था, अर्ली एडॉप्टर था, अब एक यहाँ लेट एडॉप्टर आ जाएगा जिसे हम लोग क्या कहते हैं, लेजार्ड भी कहते हैं, ठीक है। तो इसे आपको ध्यान रखना है। तो आगे बात करते हैं कम्युनिकेशन की, कम्युनिकेशन भैया क्या होता है, कम्युनिकेशन भैया जो है एक लैटिन भाषा का ये भी शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द जिस एक शब्द है कम्युनिश, क्या है कम्युनिश, कम्युनिस्ट शब्द जो होता है हमारा क्या है, कम्युनिकेशन इसी से बना है। और कम्युनिस्ट का अर्थ होता है कॉमन, कॉमन मतलब बहुत सामान्य चीज़ है, सामान्य मतलब भी है, इसका मतलब क्या है, सेंडर, एक भैया क्या होता है सेंडर होता है, और एक मैसेज को होता है रिसीव करने वाला, तो इनके बीच का जो ये हमारा क्या है, बीच का जो हमारा क्या है कॉमन चीज़ें हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं क्या, कम्युनिकेशन। जैसे हम आपके लिए, हमारे आपके लिए कम्युनिकेशन क्या काम कर रहा है, यूट्यूब कम्युनिकेशन का काम कर रहा है, मोबाइल कम्युनिकेशन का काम कर रहा है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं भैया, ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं, रिकॉर्ड करके आप तक पहुँच रहा है, आप अपने फ़ोन में देख रहे हो, तभी तो आपको ज्ञान प्राप्त हो रहा है, तो क्या है कम्युनिकेशन का काम कौन कर रहा है, मोबाइल कर रहा है, ठीक है। हम हो गए तुम्हारे लिए सेंडर, तुम हो गए रिसीवर, और ये भैया जो बीच में हमारा काम कर रहा है कौन सा कर रहा है, मोबाइल और यूट्यूब कर रहे हैं, कर रहे हैं ना, मोबाइल और यूट्यूब कर रहे हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, सेंडिंग रिसीविंग, और बीच की जितनी चीज़ें हैं वो हमारी क्या हो गई, कम्युनिकेशन का काम करेंगी, ठीक है। कम्युनिकेशन की मुख्य ध्यान, कम्युनिकेशन में मुख्य ध्यान हमको किस पर रखना है, टारगेटेड ऑडियंस पर। भैया देखो हम आप लोग को पढ़ा रहे हैं, ये एक्सटेंशन आपको क्यों पढ़ा रहे हैं, हम आपको फिजिक्स का है नहीं पढ़ा रहे हैं, बात बताओ, हम आपको फिजिक्स का है नहीं पढ़ा रहे, आप लोग हमसे फिजिक्स का है नहीं पढ़ रहे, क्योंकि आपको क्या देना है, DHO, ठीक है। आपको देना है क्या, जो हमारा UPSC का एग्रीकल्चर का एग्जाम आया है उसमें हमारा पूछा जाएगा एक्सटेंशन, ना कि पूछा जाएगा फिजिक्स, मतलब फिजिक्स आएगा तो हालांकि साइंस में तो आना है लेकिन उतना लेवल का नहीं आता है, एग्रीकल्चर में हमारा एक्सटेंशन मेजर पार्ट है, ठीक। तो आप क्या कर रहे हैं, आपका इंटरेस्ट किस में है, एक्सटेंशन पढ़ने में है, इसीलिए तो आप बैठ के पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो कम्युनिकेशन में जब मुख्य धारा में आप शामिल हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे, टारगेटेड ऑडियंस के आधार पर ही हम क्या करते हैं, ऐसी चीज़ों को कम्युनिकेट करते हैं, बढ़ावा देते हैं। कम्युनिकेशन सिस्टम की अगर बात करो भैया तो KGS, KDS और KCS, ये तीन हमारे हैं। KGS मतलब नॉलेज जनरेटिंग सिस्टम है, नॉलेज डिसमिनेशन सिस्टम है, नॉलेज कंज्यूमिंग सिस्टम है। तो भैया नॉलेज जनरेटिंग मतलब जो नॉलेज को जनरेट करे, जैसे यहाँ तो हम जनरेट कर रहे हैं नॉलेज को, लेकिन इसमें क्या हो सकता है, अगर एक्सटेंशन में बात करोगे तो यूनिवर्सिटी नॉलेज को जनरेट करती हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट जब रिसर्च करेंगे तभी तो नॉलेज देंगे तुमको, नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं हमारी, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, ठीक है। क्या करती हैं, नॉलेज को क्या कि जनरेट की, ठीक।
उसके बाद क्या हुआ, ये शिफ्ट कर दी, कहाँ, KDS को दे दी, मतलब डिसिमिनेशन यानी प्रसार वाले को दे दी एक्सटेंशन। अब भैया ये तो हम यूनिवर्सिटी, अपनी यूनिवर्सिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट किताबें जो इन्होंने लिखी उससे हम ज्ञान लिए, भाई हम भी रिसर्च करने तो नहीं गए इतना ज़्यादा, तो रिसर्च करके तो नहीं आए हम लोग, हम क्या किए इन्हीं की किताबों से हम क्या किए ज्ञान अर्जित किए, तो हम आगे किस में, KDS वाले में, ठीक है। मतलब हम क्या करेंगे अब ज्ञान का क्या कर रहे हैं, प्रसार कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं ज्ञान का प्रसार कर रहे हैं, डिसिमिनेशन कर रहे हैं, तो हम किस में आ जाएंगे, मास मीडिया। मास मीडिया आपको पता है यूट्यूब मास मीडिया में ही आता है ना, तो मास मीडिया के थ्रू आपको नॉलेज दे रहे हैं, या फिर यूनिवर्सिटी में पढ़ाते, या रिसर्च इंस्टीट्यूट में, या गवर्नमेंट एजेंसीज में, या वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन किसी में भी बैठ के पढ़ा देते, तो हम आपको पढ़ा रहे हैं मास मीडिया के थ्रू, तो हम किस में आ गए, KDS में आ गए। इसके बाद KCS की अगर बात करोगे कंज्यूमर, तो भैया आप नॉलेज को क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, तो हमारे लिए क्या हो गए, आप कंज्यूमर हो गए। अगर एक्सटेंशन एजुकेशन की बात करोगे एग्रीकल्चर में, तो फार्मर हमारा क्या होता है, कंज्यूमर होता है। यूनिवर्सिटीज क्या करती हैं, नई नई चीज़ों की खोज करी, ठीक, तो नॉलेज जनरेट हो गया ना खोज करनी, तो उसके बाद क्या हुआ, ये नॉलेज जाके किसको दे दी, जो हमारा प्रसार करने वाला है क्या, एक्सटेंशन वर्कर, जो हमारा क्या एक्सटेंशन वर्कर है उसको दे दी। अभी एक्सटेंशन वर्कर कहाँ गया, फार्मर को दे दिया। ऐसे जो है फार्मर से क्या हुआ, हमने क्या कि समस्या उठाई, समस्या उठा के इनको दी, इन्होंने जाके उनको दी, फिर उन्होंने सोल्यूशन खोजा, यही तो सिस्टम चलता है। ऐसे बेरलो ने 1960 में जो है एक फार्मूला दिया, इन्होंने कहा कि भैया जो सोर्स हमारा है, सोर्स से हमारा जब मैसेज चलता है तो पहले इनकोडर में जाता है, फिर मैसेज क्या होता है चैनल के माध्यम से डिकोड होता है, फिर रिसीवर होता है, ठीक है। तो बीच वाला जो हमारा पोर्शन सारा है क्या है, KDS है। KDS मतलब डिसिमिनेशन, यानी इनकोडर, मैसेज, चैनल, डिकोडर, ठीक है। सोर्स हमारा क्या कर गया, भैया मैसेज को भेजा, लेकिन किस फॉर्म में, इनकोड के फॉर्म में, ठीक है। फिर वो मैसेज क्या हुआ, चैनल पे पहुंचा, चैनल पे क्या हुआ, डिकोड हुआ, डिकोड होकर रिसीवर को मिल गया, ठीक है। तो हमारा रिसीवर क्या है, KCS है, नॉलेज कंज्यूमिंग सिस्टम है, सोर्स क्या है, नॉलेज जनरेटिंग सिस्टम है, बीच वाले हमारे सारे क्या है, नॉलेज डिसिमिनेशन सेंटर है, सिस्टम है, ठीक है। आगे बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कम्युनिकेशन, भैया तो कम्युनिकेशन को अकॉर्डिंग टू द यूज़ एंड नेचर भैया बांटा गया है तीन ग्रुप में, ठीक है, यूज़ और नेचर के आधार पर तीन में, इंडिविजुअल, ग्रुप और मास, तीन भागों हमने बांट दिया। इंडिविजुअल भैया हमने अकेले अकेले जाके कॉन्टैक्ट मेथड द्वारा समझा दिया, ठीक है। ग्रुप में हमारा क्या होता है, 2 से 30 तक सदस्य हो सकते हैं, और उसके ऊपर होंगे तो हमारा क्या है, मास या कम्युनिटी हो जाएगा। इंडिविजुअल कॉन्टैक्ट की अगर हम बात करें, तो भैया क्या, हम आते तुमको अकेले फेस टू फेस, ये चीज़ पढ़ा के चले जाते, समझा के चले जाते, किसान मान लो, किसान को अकेले अकेले जाके तुम समझा दो ये बीज आया ऐसे ऐसे है, तो हमारा क्या इंडिविजुअल मेथड हो गया। दूसरा हमारा क्या है, ये इफेक्टिव तो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। दूसरी बात, क्वांटम ऑफ द फीडबैक, तुरंत भैया तुमको क्या होगा, फीडबैक मिल जाएगा, तुम्हारा ये चीज़ अच्छी है ख़राब है, क्या होगा भैया, हम तुमको आके फेस टू फेस कोई चीज़ समझा रहे हैं कि भैया एग्रीकल्चर में ऐसा ऐसा, अपने खेत में ऐसा ऐसा करो, ठीक, तो क्या होगा, फेस टू फेस कॉन्टैक्ट है तो तुम्हारे ऊपर इफेक्ट ज़्यादा पड़ेगा, तुमको समझ में आएगा अच्छे से, ठीक है। दूसरी बात क्या होगा, तुरंत हमें फीडबैक मिल जाएगा, लेकिन भैया इस प्रोसेस लेकिन बहुत ज़्यादा स्लो है कम्युनिकेशन का, कि हम कितने लोगों को एक एक करके जाके समझाएंगे, ठीक है, हम महीने भर में 50-60 लोगों से ज़्यादा समझा ही नहीं पाएंगे, जबकि हम अगर यहाँ बैठ के समझा देते तो हम एक वीडियो बना देते हैं, हमारे 5-5 सौ, 1000-1000 लोग देख ले रहे हैं अभी से, ठीक है। तो क्या होता है, इससे हमारा क्या होता है भैया, कम्युनिकेशन स्किल बढ़ जाता है, कम्युनिकेशन स्लो नहीं होता, फास्ट हो जाता है। ग्रुप की अगर हम बात करें, तो ग्रुप में हमारा 20 से 30% होंगे, यूजुअली जो है 20 से 25% होते हैं, कॉमन इंटरेस्ट के भैया लोग, सबका इंटरेस्ट जब कॉमन होगा तभी तो आपका इंटरेस्ट, अगर भैया क्या होता है, आप अगर एग्जाम दे रहे हो तो क्या, नीट का फॉर्म आया ना, नीट का एग्जाम दे रहे हैं आप मेडिकल का, तो क्या बैठ के यहाँ पढ़ते, नहीं पढ़ते, आपका इंटरेस्ट कॉमन है इसीलिए यहाँ बैठ के पढ़ रहे हैं। इसका मतलब क्या है, ग्रुप में सबका इंटरेस्ट क्या होना चाहिए, कॉमन, जैसे जितने भी लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हैं सबका इंटरेस्ट लगभग कॉमन है, एग्रीकल्चर या GS, ठीक है, इसीलिए तो जुड़े हैं लोग, तो हमारे क्या है, सबका इंटरेस्ट क्या है, कॉमन है, ठीक है। और फेस टू फेस हमारा क्या होता है, कॉन्टैक्ट होता है, इसमें भी ग्रुप में भी, ठीक है। आगे बात करते हैं मास कम्युनिकेशन, जो हमारा कॉन्टैक्ट मेथड है, मास कम्युनिकेशन के मेथड की अगर बात करोगे तो ये मोर यूजफुल है मेकिंग पीपल्स अवेयर टू द न्यू एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी के लिए। भैया बहुत बड़े स्तर पर हम लोग क्या करते हैं, मास कम्युनिकेशन, जैसे व्हाट्सएप हमारा क्या है, मास कम्युनिकेशन का मेथड है, ठीक है। 30 से ज़्यादा मेंबर जुड़ जाते हैं ग्रुप में ना, तो ग्रुप नहीं रह जाता, वो क्या होता है, मास कम्युनिकेशन। यूट्यूब हमारा क्या है, मास कम्युनिकेशन। व्हाट्सएप हमारा क्या है, इंस्टा हमारा क्या है, मास कम्युनिकेशन। टीवी हमारा क्या है, मास कम्युनिकेशन। रेडियो हमारा क्या है, मास कम्युनिकेशन। कोई भी सूचना पहुंचानी बड़े स्तर पर, तो हम लोग इन चीज़ों का यूज करते हैं इसीलिए, ठीक है। एग्जाम्पल्स की अगर बात करो तो इंडिविजुअल में हमारा फॉर्म विजिट, हम तुम्हारे फॉर्म या घर आके समझा गए, लेटर तुमको लिख दिए, या टेलीफोन कर लिए, या ऑफिस में कॉल कर लिए तुम्हारे, या रिजल्ट डिमॉन्स्ट्रेशन। रिजल्ट डिमॉन्स्ट्रेशन हमारा इंडिविजुअल का मेथड है, कई बार पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये करता है कंफ्यूज, क्योंकि जो हमारा मेथड डिमॉन्स्ट्रेशन है, मेथड, ये मेथड वाला हमारा क्या है, ग्रुप का मेथड है, जबकि हमारा रिजल्ट डिमॉन्स्ट्रेशन क्या है, हमारा भैया इंडिविजुअल मेथड है, ध्यान रखना इस चीज़ को। ग्रुप में अगर बात करोगे तो सिम्पोजियम मतलब गोष्ठी लगा दी हम, 2 से 5 तक इसमें बोलने वाले बुला लिए, गोष्ठी लगा के 2-4-5 लोग बोलेंगे, बाकी 15-20 लोग सुनेंगे। पैनल बैठा लिए, 2 से 8 स्पीकर इसमें बैठा लिए, तुम्हारा पैनल हो गया। नहीं देखते पैनल बैठाते हैं, और न्यूज वाले 8 लोगों ऐसे ऐसे बैठा लिए, 6-7 लोगों को बैठा लिए, उसको कहते हैं पैनल है भैया, हैं सलाहकार, डिस्कशन करेंगे इसमें हम लोग क्या, ग्रुप में, ठीक है। आगे बात करते हैं
लेक्चर्स हो सकते हैं जो हम ले ही रहे हैं, टूर एंड क्या फील्ड, टूर एंड फील्ड डेज, हम टूर वूर करवाने तुमको लेके खेत वत में ले गए, ठीक है। मेथड डिमॉन्स्ट्रेशन भी ग्रुप मेथड है, ठीक है। इसके अलावा हमारा मीटिंग्स हैं, रोल प्लेज हैं, पपेट शोज है, स्लाइड है, स्कूल्स है, कॉन्फ्रेंसेज है, सेमिनार्स है, सब हमारे क्या ग्रुप के हैं, फ्लैश कार्ड है, सब हमारे क्या ग्रुप मेथड है, ठीक है। ग्रुप मेथड में हमारा क्या होता है, ग्रुप मेथड में हमारा क्या होता है, 2 से 30 तक सदस्य होने चाहिए। मास में हमारा क्या आ जाएगा, मास में हम बुलेटिन, न्यूज़, हमारा न्यूज़ बुलेटिन सुने ना, न्यूज़ बुलेटिन, पैम्फलेट, न्यूज़पेपर, मैगजीन, एग्जीबिशन, सर्कुलेशन लेटर, ये सब हमारे क्या है, मास कम्युनिकेशन के मेथड है। मतलब मोर देन 30 लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे कम से कम, ठीक है। आगे बात हम लोग करते हैं, तो भैया दो तरीके का और ऐड हो सकते हैं, एक तो हो सकते हैं प्रोजेक्टेड, हो सकते हैं नॉन प्रोजेक्टेड। प्रोजेक्टेड मतलब भैया जो प्रोजेक्टर द्वारा चलाया जाए, नॉन प्रोजेक्टेड मतलब बिना उसमें कोई मशीन की जरूरत ही ना लगे, ठीक है। तो प्रोजेक्टेड ऐड वो होते हैं जिसमें क्या होता है, मोटर या इलेक्ट्रिसिटी का हम लोग यूज़ करते हैं, सारे प्रोजेक्टेड हैं। मशीनरी का यूज़ ना हो तो हमारे क्या नॉन प्रोजेक्टेड है। जैसे इसमें फिल्म प्रोजेक्टर, हम भैया आपके सामने क्या करें, फिल्म चलाएं, कोई पर्दा पे आके फिल्म चला दें, फिल्म प्रोजेक्टर की जरूरत लग रही। स्लाइड प्रोजेक्टर, इसमें क्या स्लाइड ऐसे सरकाते रहें इधर उधर, ठीक है, तो हमारा क्या स्लाइड प्रोजेक्टर हो जाएगा, उसमें भी मशीन की जरूरत लगेगी, ठीक है। इसके अलावा ओवरहेड प्रोजेक्टर या आपका क्या इपीडियोस्कोप, इपीडियोस्कोप एक आता है भैया, इसमें इसे स्कोप लगा रहता है, उसमें आप झांक के देखोगे पूरा जानकारी दिखेगी आपको, ठीक है। तो सब क्या है, प्रोजेक्टर है, प्रोजेक्ट से चले, मशीन से चले। नॉन प्रोजेक्टेड में मान लो फ्लैश कार्ड, आप आपके सामने आके हम फ्लैश कार्ड अगर आपको दिखाएं, आके 4-6-10 कार्ड आपको दिखा दें आके, उसमें कोई मशीन की जरूरत लगनी है, ग्राफ दिखा दें मशीन की जरूरत लगनी, चार्ट दिखा दें मशीन की जरूरत लगनी, फोल्डर लीफलेट या ब्लैक बोर्ड पे आपको बना के समझा दें तो किसी मशीन की जरूरत लगनी, कोई मशीन की जरूरत नहीं लगनी, तो हमारे सारे नॉन प्रोजेक्टेड हो जाएंगे। अब ये 3 प्रकार के हो सकते हैं, आइडियो हो सकते हैं, विजुअल आइडियो विजुअल हो सकते हैं। आइडियो में रेडियो टेप रिकॉर्डर में सिर्फ आइडियो सुनाई देता है आपको, यहाँ आपको क्या है फ्लैश कार्ड, ओवरहेड प्रोजेक्टर, स्लाइड्स, इसमें सबके आपको क्या विजुअल दिखाई देगा, आवाज़ नहीं सुनाई देगी। आइडियो विजुअल में पपेट और सिनेमा हमारा क्या होते हैं, आइडियो विजुअल। अब पपेट में देखें कहानी भी सुनाता रहता, साथ में कठपुतली दिखाता भी रहता, पपेट मतलब क्या कठपुतली ना, और कठपुतली डांस भी दिखाएगा, कहानी भी साथ में सुनाता रहेगा, ठीक है। सिनेमा आप मूवी देखें ना, मूवी में क्या होता है ऑडियो विजुअल दोनों चीजें होती हैं, उनसे कोई भी जानकारी आपको मिलेगी तो ऑडियो विजुअल है। विजुअल में मतलब सिर्फ आपको दिखाई देगा, फ्लैश कार्ड आपको दिखाई देगा, सुनाई नहीं देगा, रेडियो टेप रिकॉर्डर आपको सिर्फ सुनाई देगा, तो ऑडियो हो जाएगा। बात समझ में आई। आगे हम लोग बात करते हैं डिमॉन्स्ट्रेशन की। डिमॉन्स्ट्रेशन मतलब प्रदर्शनी। तो ये हमारा क्या लर्निंग बाय सुइंग या लर्निंग बाय डूइंग है, तुम्हारे एसके डे वाला ही फार्मूला है। इसमें डिमॉन्स्ट्रेशन में प्रदर्शनी में होता है कि हम क्या करेंगे, आपको करके दिखाएंगे। अब ये मेथड डिमॉन्स्ट्रेशन और रिजल्ट डिमॉन्स्ट्रेशन, दो प्रकार का डिमॉन्स्ट्रेशन हमारा है। मेथड जो हमारा ये क्या है शॉर्ट टाइप है, और रिजल्ट हमारा क्या है लॉन्ग टाइप है, ठीक है। जो हमारा मेथड डिमॉन्स्ट्रेशन होता है उसका मेन पर्पस क्या होता है, स्किल को प्रोवाइड करना। हम क्या करेंगे, आपको स्किल बनाएंगे, स्किल मतलब क्या कौशल, आपको कौशल के योग्य बनाएंगे। जबकि हमारा जो क्या है रिजल्ट डिमॉन्स्ट्रेशन है, रिजल्ट डिमॉन्स्ट्रेशन में हम क्या करते हैं वैल्यूज़ आपकी बढ़ाते हैं, मूल्य और वर्थ बढ़ाते हैं, ठीक है। नई नई प्रैक्टिस सिखा के आपकी क्या वैल्यूज़ बढ़ा रहे हैं हम, ठीक है। इधर हम अगर बात करें मेथड डिमॉन्स्ट्रेशन की, तो इधर क्या कंपैरिजन नहीं होता है नई पुरानी तकनीक। देखो रिजल्ट डिमॉन्स्ट्रेशन आपको या मेथड डिमॉन्स्ट्रेशन आपको बताया था क्या है, ग्रुप मेथड है, क्या है ग्रुप मेथड है, ग्रुप में यूज होता है, क्या है ये हमारा क्या है ग्रुप मेथड है, ठीक है। जबकि रिजल्ट आपको बताया था क्या है इंडिविजुअल मेथड में बताए थे। ध्यान रखना इस चीज़ को, कई बार पूछा गया ग्रुप में हमारा कौन मेथड और इंडिविजुअल में हमारा रिजल्ट। आप भैया अकेले हमको कहीं मिल गए, ठीक। अब आपके पास हम पहुँचे, हमने बताया देखो तुम्हारी ये पहले एक वैरायटी आ रही थी धान की, मान लो ये भैया आ रही थी और हम ये कि धान की वैरायटी लाए हैं, ठीक है। इसको उगाओ तुम, इस बार उगा के देखो, ठीक है। तुमने उगाया भाई, इस वाली को भी एक खेत में हम उगा के दिखवाए, इस खेत वाली में भी एक खेत में उगा के दिखवाए, पूरे गांव को बुला लिया भैया दिखाने लगे। मतलब हमने एक आदमी को बुलाया दिखाने लगे। अब हमने क्या किया यहाँ पर, क्या किया दो चीज़ों का कंपैरिजन करवा दिया कि भैया जो तुम पहले से उगा रहे हो उसमें कैसी प्रोडक्शन हो रहा, जो हम उगा रहे हैं उसमें कैसा प्रोडक्शन हो रहा, इसका प्रोडक्शन अच्छा हो गया। तो इसी को हम क्या बोलते हैं रिजल्ट डिमॉन्स्ट्रेशन। रिजल्ट दिखाया ना आपको, सीधे रिजल्ट दिखाया कि भैया देखो रिजल्ट बहुत अच्छा दे रही है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा नई पुरानी तकनीक का क्या होगा कंपेयर किया जाता है। जबकि मेथड डिमॉन्स्ट्रेशन में हम कोई कंपेयर नहीं करते, हम नई चीज़ आपको दिखाएंगे, सीधे सीधे बताएंगे देखो भैया सब लोग इतने लोग 100 लोग आए हो सब लोग देखो, मतलब मेथड ग्रुप है ना तो 2 से 30 लोग आए हो देखो ये भैया ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे इसमें ये अच्छाई है। सिर्फ हम क्या कर रहे हैं अपनी अच्छाई बता रहे हैं, इधर हम क्या करवा रहे हैं कंपेयर करवा रहे हैं, दो जो पहले से यूज कर रहे हो टेक्निक उसका और जो हम नई लेके हैं उसका कंपेयर करवाएंगे, ठीक है। ये पुराना मेथड था, ये भैया नया मेथड लॉन्च किया गया, हम लोग क्या करें कंपेरिजन करवाने लगे। सिंगल प्रैक्टिस डिमॉन्स्ट्रेशन है, इसमें जो है हम लोग कई सारे मतलब करते हैं, ठीक है। एक्सटेंशन वर्कर जाके क्या करते हैं फार्मर्स को सीधे सीधे सिखाते हैं, डायरेक्ट जो है सिखाते हैं, डायरेक्ट सुपरविजन में फार्मर हमारे खेती करेगा तभी तो पता चलेगा हमारा रिजल्ट कैसा रहा, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं ये हमारा क्या इंडिविजुअल मेथड हो गया। जबकि हमारा सिंगल प्रैक्टिस डिमॉन्स्ट्रेशन है, इसलिए हमारा क्या ग्रुप डिस्कशन हो गया ये हमारा।
शुरू से प्रारंभ कर लास्ट तक जो है हम क्या सीक्वेंस सिखाते हैं हम इसमें, इसमें हम क्या करते हैं सो द सुपीरियरिटी ऑफ द प्रैक्टिस हम दिखाते हैं कि कितना बढ़िया ये वाला काम है। ठीक है, हम शुरू से आखिर तक सिखाने नहीं जाते एक चीज़ पूरा बैठ के सिखाएं, हम दिखाएंगे देखो तुम जो पहले से कर रहे थे ये देखो तुम्हारा वाला और ये देखो हमारा वाला ज़्यादा इफेक्टिव है, समझे। हम क्या कर सीधे सीधे कंपेयर करवा रहे हैं। फादर ऑफ मेथड डिमॉन्स्ट्रेशन आपको बता ही चुके, सीमन एंड नेफ हमारे क्या है मेथड डिमॉन्स्ट्रेशन के पप्पा हैं। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं नेशनल कंपोजिट डिमॉन्स्ट्रेशन, एक हमारा तीसरा डिमॉन्स्ट्रेशन भी जिसे हम बोलते हैं कंपोजिट डिमॉन्स्ट्रेशन। इसमें क्या मेथड और रिजल्ट दोनों तरीके का सिस्टम है कंपोजिट डिमॉन्स्ट्रेशन, इसीलिए बोलें कंपोजिट मतलब क्या दोनों का मिलुआ रूप, देख कंपोजिट हो गया ना मिश्रित, तो भैया मिश्रित रूप है तो भैया इसे हम नेशनल डिमॉन्स्ट्रेशन भी बोल देते हैं। ये क्या होता है, ये पहली बार जो है लाइन डिमॉन्स्ट्रेशन या फ्रंट लाइन डिमॉन्स्ट्रेशन के नाम से जाना गया, कंडक्टेड बाय द रिसर्चर्स और फॉर्म फील्डर्स। भैया रिसर्चर्स द्वारा या फॉर्म फील्ड द्वारा जो है इसको यूज किया जाता है, जो हमारे रिसर्चर्स होते हैं जो खोजकर्ता होते हैं, जो हमारे क्या हैं खोजकर्ता हैं, वही सीधे पहुंच गए कहाँ खेत पर, और खेत पर पहुंच गए तो ये वाली तकनीक अपनाएंगे दोनों दोनों वाली। ठीक है, दोनों दोनों वाली कौन सी, एक तो भैया क्या शुरू से आखिरी तक तुमको सिखाएंगे भी कि ये नई वाली टेक्निक तुम करो कैसे, और दूसरी बात क्या कंपेयर भी करवाएंगे, जो पुरानी तुम कर रहे थे और जो नई तुम कर रहे हो उसका कंपेरिजन भी करवा देंगे, तो हमारा क्या दोनों का मिश्रित रूप हो जाएगा। उद्देश्य ये दिखाना कि कैसे उत्पादन बढ़े, इसका उद्देश्य यही था। क्रॉपिंग सिस्टम हाई यील्डिंग वैरायटीज़ का प्रयोग किया जाए नेशनल डिमॉन्स्ट्रेशन में, क्या स्टार्ट किया गया हमारा क्या 1965 में, मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर ने 1965 में पहली बार नेशनल डिमॉन्स्ट्रेशन को स्टार्ट किया। नेशनल डिमॉन्स्ट्रेशन हमारा क्या है बता चुके हैं आपको, क्या है मैथड डिमॉन्स्ट्रेशन और हमारा क्या मेथड डिमॉन्स्ट्रेशन, और दोनों का हमारा मेथड डिमॉन्स्ट्रेशन दूसरा रिजल्ट डिमॉन्स्ट्रेशन दोनों का हमारा क्या है मिश्रित रूप है। ठीक है, 1966 में इस कार्यक्रम को ICAR को सौंप दिया गया। देखो 1965 में हमने इसको स्टार्ट किया, क्या स्टार्ट किया नेशनल डिमॉन्स्ट्रेशन हमने स्टार्ट किया 1965 में, 1967 में इसको हमने क्या किया ICAR को दे दिया। पहले चल रहा था किसके, मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर खाद्य एवं कृषि विभाग के द्वारा चलाया जा रहा मंत्रालय द्वारा, फिर ICAR को हमने 67 में 2 साल बाद हमने कहा ICAR वाले तुम ही संभालो इसको। ठीक, इसके बाद बात करते हैं टी एंड वी सिस्टम की, ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम। ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम की अगर बात करो तो भैया 1973 में हमारा क्या हुआ था ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम स्टार्ट हुआ था, डेनियल बैनर ने स्टार्ट किया था, किसने डेनियल बैनर। अब बैनर वाले जो थे भैया बैनर में टीवी दिखाते रहते थे, तो बैनर में टीवी दिखाते रहते थे, मतलब टी एंड वी सिस्टम कब स्टार्ट हुआ, डेनियल बैनर ने स्टार्ट किया 73 में। ठीक है, इसराइल में सबसे पहले स्टार्ट किया गया था, डेनियल बैनर ने कहाँ स्टार्ट किया था इसराइल में स्टार्ट किया था। ठीक है, एक्सपर्ट थे भैया डेनियल बैनर, इसराइल के एक्सपर्ट थे, वर्ल्ड बैंक द्वारा इनको जो एक्सटेंशन प्रोग्राम का सलाहकार बनाया गया था, जो विश्व बैंक है उसने इनको एक्सटेंशन प्रोग्राम का सलाहकार नियुक्त किया था अपना। इन्होंने क्या किया TNV सिस्टम का पहला प्रयोग किया कहाँ, सेनान इरिगेशन टर्की में सबसे पहले प्रयोग किया गया। देखो भैया बात समझो, जो बैनर नाम का एक प्राणी है, ठीक है, ये रहने वाला कहाँ का है इसराइल का है। ठीक, अब ये क्या बन गया वर्ल्ड बैंक का एक्सटेंशन प्रोग्रामर बन गया, सलाहकार बन गया इसका एक्सटेंशन प्रोग्राम का, तो सलाहकार बन गया, तो इसने क्या किया एक खोज की जिसे हम लोग कहते हैं ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम। ठीक है, ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम, और पहली बार इसको जो है स्टार्ट कहाँ किया गया टर्की में, इसको पहली बार हमने स्टार्ट करवाया। ठीक है, कहाँ स्टार्ट करवाया टर्की में, पहला हमने TNV सिस्टम कहाँ स्टार्ट किया टर्की में स्टार्ट किया। ठीक है, सेनन इरिगेशन प्रोजेक्ट पर, इसे हम लोग क्या कहते हैं बास्टर बैनर स्कीम भी कहते हैं, दो फेज में स्टार्ट की गई थी। पहले हमने क्या किया ट्रेनिंग दी, ट्रेनिंग में हमने क्या किया सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट को बुलाया, टेक्निक जो है किसको सिखा दी एक्सटेंशन वर्कर को सिखा दी, उसके बाद एक्सटेंशन वर्कर जो है विजिट किया जाके, विजिट करके जो क्या कि जो टेक्निक फार्मर को सिखा दी जाके उसने, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं ट्रेनिंग एंड विजिट। ट्रेनिंग मतलब भैया क्या, पहले जो सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट है वो किसको सिखाएगा एक्सटेंशन वर्कर को सिखाएगा, उसके बाद एक्सटेंशन वर्कर जाके किसको सिखाएगा फार्मर को, तो ये हमारा क्या होगा ये हो गई ट्रेनिंग, और ये हमारा विजिट करके खेत पे हमने किसान को सिखा दिया तो हो गया विजिट, तो ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम इसीलिए इसको कहते हैं। ये गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, ठीक है, गवर्नमेंट इसमें पैसा देती है, और रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम ग्रामीण विकास योजना है ये। ठीक है, रिफॉर्म एक्सटेंशन इंटेंसिव एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, इसके तहत हमने क्या किया रिफॉर्म एक्सटेंशन को बढ़ावा दिया और इंटेंसिव एग्रीकल्चर एक्सटेंशन को बढ़ावा दिया, यानी सघन कृषि विस्तार को हमने बढ़ावा दिया, यहाँ पर इसको कहा जाता है। भारत में TNV सिस्टम 1974 में लॉन्च किया गया सबसे पहले, 74 में सबसे पहले TNV सिस्टम स्टार्ट कहाँ किया गया राजस्थान में, राजस्थान में जो हमारा कैनाल एरिया है यानी जो हमारा क्या नहर वाला एरिया है वहाँ पर हमारा चंबल कमांड एरिया जो हमारा मध्य प्रदेश में, इन दोनों में हमने स्टार्ट किया राजस्थान और कहाँ मध्य प्रदेश में स्टार्ट किया। टू इम्प्रूव इफेक्टिवनेस ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, हमने क्या किया एग्रीकल्चर एक्सटेंशन को इफेक्टिव बनाने के लिए हमने क्या किया राजस्थान और चंबल कमांड एरिया ऑफ मध्य प्रदेश, दो जगह राजस्थान और मध्य प्रदेश में स्टार्ट किया, सबसे पहले राजस्थान अगर देखोगे तो। ठीक है, तो इसमें हम करते क्या थे भैया SMS AEW और क्या
फार्मर, तीन क्रम थे। तो भैया जो SMS यानी सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट है वो हमारा क्या करता था, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन वर्कर को क्या देता था सोल्यूशन देता था। अब भैया सोल्यूशन लेके फार्मर को देता था जाके, फार्मर इसको क्या करता था, प्रॉब्लम देता था, ये प्रॉब्लम लेके इसके पास जाता था, ये सोल्यूशन खोजता था। बात समझ में आई? मतलब सबसे पहले फार्मर किसान के पास भैया हम पहुँचे, किसान ने अपनी प्रॉब्लम सुना दी किसको, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन वर्कर को। अब एग्रीकल्चर एक्सटेंशन वर्कर क्या किया भैया, गया स्पेशलिस्ट सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के पास, उसने क्या किया भैया खोजबीन की, खोज की, उसके बाद क्या किया सुझाव दिया, मतलब भैया प्रॉब्लम को सुधारा और सुधार के किसको सिखा दिया, फिर इसको सिखा दिया एग्रीकल्चर एक्सटेंशन वर्कर को। एक्सटेंशन वर्कर किसान के पास पहुंचा, उसने क्या किया इसको सिखा दिया, भैया प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। यही हमारा जो तरीका पूरा है इसी को हम को क्या कहते हैं, ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम कहते हैं। 1974 में भारत में स्टार्ट किया गया था, सबसे पहले राजस्थान में, उसके बाद क्या चंबल कमांड एरिया ऑफ मध्य प्रदेश में स्टार्ट किया गया था, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं लैब टू लैंड प्रोग्राम की। तो भैया ICR आप सब लोग जानते हैं, ICR का स्थापना जो हुआ था कब हुआ था, 16 जुलाई 1929 को हुआ था, 1929। तो भैया जब ये 50 साल अपना 16 जुलाई 1929 में पूरा कर लिया, 50 साल को हम क्या बोलते हैं गोल्डन जुबली, जब उसने अपनी गोल्डन जुबली पूरी कर ली, तो गोल्डन जुबली के ही डेट पर क्या हुआ लैब टू लैंड प्रोग्राम 16 जुलाई 1979 में स्टार्ट कर दिया गया, ठीक है। उसका उद्देश्य क्या रखा गया, ट्रांसफर ऑफ प्रूव्ड एंड विजिबल लो कॉस्ट एग्रीकल्चर टेक्निक्स, भैया जिसमें क्या हमारा खर्चा कम से कम आ रहा है, खर्च हमारा क्या रहा है मिनिमम आ रहा है, टेक्निक हमारी ऐसी अच्छी अच्छी हैं गजब गजब की, इन्हीं को हम क्या कर रहे हैं, इन्हीं का हमको क्या करना है ट्रांसफर करना है, कहाँ तक किसानों तक, खेत के किसानों तक हमको क्या करना है उस ऐसी टेक्निक को ट्रांसफर करना है, ठीक है। मार्जिनल फार्मर और लैंडलेस लेबर्स इन सब तक हमको ऐसी चीज़ें पहुंचानी है, ठीक है। इससे क्या हो हमारा ओवरऑल सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन सुधार हो, ओवरऑल जो हमारी क्या है सोशियो इकोनॉमिक मतलब यह सामाजिक आर्थिक स्थिति हमारी क्या हो सुधरे, इसके लिए हमने क्या किया था लैब टू लैंड प्रोग्राम चलाया था, उद्देश्य था हमारा यही। अब भैया प्रॉब्लम जो हमारी है वो गई लैब में, और लैब में हमारा निकला सोल्यूशन, और सोल्यूशन हमारा फिर किसके पास पहुंच गया, फार्मर के पास पहुंच गया। ये भैया बात यहाँ से समझ में आई। इसके बाद बात करते हैं अब लैब टू लैंड प्रोग्राम में क्या हुआ, मामला थोड़ा सा चेंज हो गया। फार्मर फर्स्ट प्रोग्राम एंड एग्रीकल्चर प्रोग्राम शुड बी एट द फील्ड इट्सेल्फ, मतलब कहने का मतलब पहले हमारा सिस्टम जो चलता था TNV वाले में कैसा चलता था, भैया किसान क्या करता था प्रॉब्लम बताता था, प्रॉब्लम जाती थी लैब में, लैब से सोल्यूशन आता, सोल्यूशन जाता था किसान के पास। अब भैया क्या हुआ, अब भैया हमने क्या किया किसान के ही खेत पर किसान ने बताई भैया ये समस्या है, हमने क्या किया वहीं पर क्या किया उसका लैब में, मतलब क्या किया लैब नहीं जाना, उसी में हम खेत में ही क्या किया उसकी समस्या को सुलझाए, ठीक है। फार्मर्स की फील्ड पर ही हमने क्या किया समस्या को सॉल्व किया, उसे हम लोग कहने लगे क्या लैब टू लैंड प्रोग्राम, लैब में जाने की ज़रूरतें नहीं है, कहने का मतलब सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट पहुंचे सीधे खेत में, और खेत में भैया खुद तुम्हारा सोल्यूशन करे, ठीक है, किसान को सिखाने की जरूरत नहीं है, तुम क्या करो खुद जो है सोल्यूशन करो, इससे किसान खुद ही सीखे। कारण क्या था, प्रत्येक क्षेत्र में भैया जो हमारा एग्रो क्लाइमेटिक रीजनल डिफरेंसेस पाए जाते हैं, तो भैया अलग अलग जगह का क्या होता है अलग अलग तरीके का प्रभाव होता है। अब भैया सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट जो हम बता रहे थे, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट जो हमारे हैं वो भैया एक जगह देख लिए गेहूं में ये चीज़ ऐसे रोग लगती है तो ये छिड़काव कर देते हैं ठीक हो जाता है, लेकिन भैया अब ये वाली टेक्निक जो है विकसित हो गई, मान लो किताब में लिख गई कि हाँ भैया ये चीज़ का छिड़काव करने से ये बीमारी ठीक हो जाती, किताब में लिख गई, भाई टेक्निक की खोज की गई अच्छी बात है, लेकिन वो खोज हुई थी मान लो राजस्थान में जहाँ पानी वाला एरिया था नहीं, सूखा क्षेत्र था, ठीक है। अब भैया वहाँ तो ये टेक्निक काम कर रही थी, लेकिन हम लोग जैसे वेस्ट बंगाल पहुँचे ये टेक्निक भैया क्या हो गई वहाँ फ्लॉप हो गई, ऐसी कंडीशन बहुत जगह देखने को मिलती थी, क्योंकि क्या है भारत में भैया अलग अलग तरीके के क्या है एग्रो क्लाइमेटिक रीजन में अलग अलग तरीके की चीज़ें पाई जाती हैं। तो हमने क्या किया इसीलिए जो है लैब टू लैंड प्रोग्राम चलाया, ताकि क्या हो सीधे खेत पर जाकर समस्या को सॉल्व करोगे तो खुद ही समझ में आएगा भैया कि भैया क्या क्या समस्याएँ वहाँ पर होती हैं, कैसी वहाँ की क्या है कैसी वहाँ की क्लाइमेट है, ठीक है। आगे बात किया जाए KV केस की, तो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र भैया आप लोग सब लोग नाम सुने हैं, तो एजुकेशन कमेटी एक बनाई गई 1964 में, भैया जो हमारी क्या शिक्षा समिति बनाई गई थी, कब बनाई गई थी कई बार पूछा गया, ध्यान रखना 1964 से 1966 में बनाई गई थी। इसने सुझाव दिया कि एग्रीकल्चर क्या करना है पॉलीटेक्निक का हमको यूज करना है, बहुत सारे टेक्निक्स को यूज करना है, ठीक है। ICR में हमारे एक मोहन सिंह मेहता थे, इन्होंने क्या किया अपनी रिकमेंडेशन किया 1974 में KVK बनाने का, ठीक है। ध्यान रखना KVK पहला KVK जो बना था किसकी, उससे बना था मोहन सिंह मेहता की रिकमेंडेशन से, कई बार पूछा गया ध्यान रखना, मोहन सिंह मेहता की रिकमेंडेशन से 1974 में पहला बनाया गया KVK कहाँ पांडिचेरी में, ठीक है। कई बार पूछा गया पहला KVK पांडिचेरी में बना 1974 में, जो बना क्या था एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के लिए बना था, TAU कोयम्बटूर इसका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोलर था, ठीक है। पांडिचेरी में बनाया गया, पांडिचेरी में के बगल में हमारी एक यूनिवर्सिटी है
तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, तो तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो कोयम्बटूर में है उसी के तहत उसी ने इस पर क्या करा, पूरा अपना एडमिनिस्ट्रेशन रखा, यानी प्रशासन रखा, ठीक है। उद्देश्य क्या था, किसानों तक भैया क्या करना, टेक्निक को हमें पहुंचाना। अब TNAU जो हमारी तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, उसने बहुत सारी टेक्निक खोज ली लेकिन किसानों तक पहुँच नहीं रही है, इसलिए इन्होंने क्या किया, अपने यहाँ KVK का विकास किया, भैया KVK को खोल दिया अपना पहला KVK पांडिचेरी में, ठीक है। तकनीकी शिक्षा पहुँचाने का काम KVK का करना था। टीचिंग डिजाइंड ऑन द फिलोसफी ऑफ टीचिंग बाय डूइंग एंड लर्निंग बाय डूइंग, वही मतलब फिलोसफी चल रही भैया कि भैया करके सिखाएंगे सीधे आके तुमको, ठीक है। KVK को पहले 5 वर्षों हेतु IRI के अधीन रखा गया, ठीक है। किसके अधीन रखा गया, KVK को पहले IRI ने जो है अगले 5 सालों तक जो है IRI और स्टेट यूनिवर्सिटीज़ ने संभाल के रखा, समझ गए। मतलब खर्च की अगर बात करोगे, बात समझो, KVK पर खर्च सबसे पहले कर रहा था IRI, ठीक, 100%। कहा कि 5 सालों तक कौन पूरा खर्च करेगा, IRI इस पर खर्च करेगा, ठीक है। उसके बाद अगले 5 सालों तक जो है आधा पैसा IRI खर्च करेगा और आधा पैसा कौन खर्च करेगा, स्टेट गवर्नमेंट या स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज खर्च करेंगी 50-50%, ठीक। उसके बाद 10 सालों के पश्चात जो है पूरा पैसा स्टेट गवर्नमेंट देगी, ठीक है, या स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज देंगी, बात समझ में आई। KVK में पैसा आप कौन देता है भैया, जब 74 में पहली बार बना था तो आज की कंडीशन में जब कोई भी KVK बनाया जाता है तो पहले 5 सालों तक उस पर पैसा कौन खर्च करता है, IRI खर्च करता है, ठीक है। उसके अगले 5 सालों तक पैसा कौन खर्च करता है, 50-50%, आधा IRI आधा स्टेट गवर्नमेंट, ठीक। उसके बाद 10 सालों के बाद में पूरा पैसा कौन खर्च करेगा, पूरा पैसा स्टेट गवर्नमेंट हमारी खर्च करेगी, ठीक है। वर्तमान में पूरा पैसा ICRF देने लगा भैया, ये वाला सिस्टम बनाया गया था लेकिन भैया क्या हुआ, आज कंडीशन जो है बदल गई तो अब की कंडीशन में पूरा पैसा ICRF दे रहा है, ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। KVK की सफलता का श्रेय डॉक्टर चंद्रिका प्रसाद को दिया जाता है, क्योंकि भैया भारत में जो KVK का प्रसार सबसे ज़्यादा किया था, किसने किया था, डॉक्टर चंद्रिका प्रसाद ने जो है करवाया था, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।